वेलकम अगेन स्टूडेंट सो योर नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज ओके नाउ फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ओके सो हियर आर टू केसेस व्हेन द डिनिनेटर इज हंड्रेड इफ़ द डिनिनेटर इज हंड्रेड सो सपोज ट्वेंटी सिक्स बाय हंड्रेड सो यू हियर ऑलरेडी डिनॉमिनेटर इज हंड्रेड सो परसेंटेज ऑफ ट्वेंटी सिक्स बाय हंड्रेड इज ओनली ट्वेंटी सिक्स परसेंट ओके जैसे हमने ट्वेंटी सिक्स परसेंट को फ्रैक्ट परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो डिवाइड बाई हंड्रेड किया था वैसे ही उसका उल्टा हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स बाय हंड्रेड इट इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स परसेंट थर्टी थर्टी एट बाई हंड्रेड इज थर्टी एट परसेंट ओके सो ये कब होगा ओनली जब हंड्रेड होगा तब डिनॉमिनेटर इफ डिनॉमिनेटर इज हंड्रेड देन ओनली दिस इज पॉसिबल ओके लेटस सी वेमिनेटर इज अदर देन हंड्रेडिनेटर हमारा हंड्रेड नहीं होगा तो क्या वी मल्टीप्लाई देन वी मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन बाय हंड्रेड अभी यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ओके okay, पहले हमने क्या किया था डिवाइड किया था नाउ हि वी हैव टू मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन बाय हंड्रेड एंड एड परसेंटेज साइन ओके लेट सी एग्जाम्पल थ्री बाई फाइव ओके सो व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू मल्टीप्लाई थ्री बाई फाइव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड एंड चेक कैन वी कट एनी नंबर हियर फाइव हंड्रेड से डिवाइड हो सकता है यस वी कैन डिवाइड इट फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन एंड दिस जीरो एज इट इज जीरो ओके अभी डिनोमिनेटर हमारा वन है थ्री मल्टीप्लाई बाय टू डिनोमिनेटर का वन लिखने की जरूरत नहीं है सो व्हाट इज अवर आंसर सिक्सटी एंड लास्ट में क्या करना है हमें परसेंटेज का साइन लगाना है सो दिस इज योर आंसर सिक्सटी परसेंट ओके स्टूडेंट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड लेट अस सी वन मोर एग्जांपल एटीन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव दिस इज बी वन ओके एटीन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव वॉट वी हैव टू डू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कैन वी डिवाइड ट्वेंटी फाइव एंड हंड्रेड अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था वैसे ही हमें क्या करना है अभी ट्वेंटी फाइव और हंड्रेड को फाइव से डिवाइड हम कर सकते हैं बिकॉज लास्ट डिजिट फाइव एंड जीरो है फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव फाइव टू जा टेन एंड जीरो फाइव वन जा फाइव फाइव फोर जा ट्वेंटी फोर ओके सो वॉट इज रिमेनिंग 18 and 4 is remaining. Okay. So 18 multiplied by 4 is 72 and add percentage sign. This is your answer. Okay, student so understood what we have to do? In the our previous point converting percentage into fraction, we have to divide a percentage or uh, uh, divide a number by 100 and here you have to multiply a number. ओके बाय हंड्रेड ओके लेटे सी नेक्स्ट एग्जांपल योर नेक्स्ट एग्जांपल इज टू बाई थ्री ओके सो टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ओके नाउ हियर वी कैन नॉट कट थ्री बाय हंड्रेड ओके हम अब यहाँ पे अभी कोई भी नंबर कट नहीं कर सकते सो so, जब हम कोई नंबर कट नहीं कर सकते तो सिंपल हमें क्या करना है उसका मल्टीप्लीकेशन करो ओके okay, सो so क्या आएगा हमारा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन टू हंड्रेड टू हंड्रेड बाय थ्री ओके टू को हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया एंड थ्री एज इट इज डिनोमिनेटर ओके अभी यहाँ पे हमारा कुछ भी कट नहीं हुआ और ये आया हमारा फ्रैक्शन अभी इसको हम ऐसे ही रख नहीं सकते वी हैव टू रिड्यूस इट टू लोएस्ट टर्म बट अभी इसको रिड्यूस कैसे करेंगे नीचे थ्री है ऊपर टू हंड्रेड है तो हमें क्या करना है जब हम रिड्यूस कट करके नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे याद है आपको हमें क्या करना है डिवाइड करना है और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ओके सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू मिक्स फ्रैक्शन बिकॉज इट इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन ओके सो डिवाइड टू हंड्रेड बाई थ्री ओके ये ऐसे कब करना है जब ये फ्रैक्शन इन प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तब आपको ऐसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना है ओके okay, याद रहेगा आपको नाउ थ्री सिक्स ज़ा एटीन टू लेफ्ट अगेन जीरो थ्री सिक्स जा एटीन टू लेफ्ट ओके राइट सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर ओके एंड पुट द परसेंटेज साइन दिस इज योर आंसर ओके ये आपको याद रहेगा ये कब करना है आपको जब यहाँ पे आपका कुछ भी कट नहीं हो रहा है सो so, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है ओके okay? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा तो डिनोमिनेटर स्मॉल है मींस दैट इज एम प्रॉपर फ्रैक्शन दैट टाइम यू हैव टू डिवाइड

वी कैन कट सॉरी यहाँ पे मैंने परसेंटेज साइन देना मैं भूल गई हूँ सो पुट द परसेंटेज साइन ओके सो टेन वन जा टेन एंड टेन टेन जा हंड्रेड वॉट इज रिमेनिंग ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई बाई टेन डेट इज टू सेवेंटी परसेंट ओके स्टूडेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एग्जाम्पल्स